सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के मंडल महासचिव अनोखे लाल राजभर ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ जिलाधिकारी कार्यालय पर शुक्रवार को सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट को लागू कराने के संबंध में राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा, जिसके संबंध में पार्टी के मंडल महासचिव अनोखे लाल राजभर ने बताया कि पिछड़ी जाति को 27% आरक्षण देने को लेकर प्रदेश सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया है। उसी को देखते हुए पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पर राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन प्रेषित किया गया है। इस मौके पर पार्टी के कार्यकर्ता राम प्रवेश, सुवास राजभर सहित पार्टी के अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के मंडल महासचिव अनोखे लाल राजभर ने बताया। मेरा नाम है अनोखे लाल राजभर। मैं सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के गोरखपुर मंडल के प्रमुख महासचिव हूं। आज हम लोग सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का आदेश है, प्रदेश के सभी जिला मुख्यालय पर जिलाधिकारी महोदय को जो न्याय समिति ने 27% आरक्षण के बंटवारे का जो रिपोर्ट न्याय समिति ने मुख्यमंत्री महोदय को दे दिया है, वो आज तक लागू नहीं हुआ। उसके लिए हम लोग धरने पर भी बैठे थे 9 दिन, वह रिपोर्ट लागू कराने के लिए। आज हम डीएम महोदय को यह ज्ञापन दे रहे हैं कि वह रिपोर्ट लागू किया जाए, ताकि पिछड़ी जात में जन्मे उन लोगों को जिनको आज तक आरक्षण का लाभ नहीं मिला, उनके बेटी बेटा को आरक्षण का लाभ मिले और उनके बेटी बेटा भी आरक्षण के द्वारा वो नौकरी में जाएँ।